भारताचा उच्च शिक्षण व तंत्रशिक्षणाचा मंत्री असल्यामुळे सुरुवातीला मराठीतून सुरू करतो. कारण ज्या शिवसेनेच्या पक्षाचा उल्लेख आपण केला तो पक्ष मराठी माणसासाठीच महाराष्ट्रामध्ये काम करतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की देशाच्या राजधानीमध्ये आल्यानंतर राष्ट्रभाषा तर आम्हाला प्रिय 100% आहे, पण महाराष्ट्रातनं आल्यामुळं मातृभाषा देखील मला प्रिय आहे. याच भावनेतनं मी मराठीतनं सुरुवात केलेली आहे. या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आदरणीय अरिफ मोहम्मद खान साहेब, आदरणीय विश्वनाथ कराड साहेब, माझे मित्र राहुलजी, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि मोठ्या संख्येनं उपस्थित देशातनं आलेला सगळा तरुण वर्ग, बंधू आणि भगिनींनो, शंभर टक्के मी हिंदीमध्ये बोलणार आहे, अजिबात काळजी करू नका. आणि कुठेही प्रांतवादाला थारा नाही हे देखील मी दाखवून देणार आहे, त्याच्यामुळे चिंता करायची काही आवश्यकता नाही. मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की आपण जे आता राष्ट्रगीत म्हटलं, मी हिंदीवर पण येणार आहे, पण सुरुवातीला असे का सांगतोय की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री झाल्यानंतर एक धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्र राज्यानं जो घेतला तो एवढ्यासाठीच घेतला की आतंकवाद, नक्षलवाद आणि उग्रवाद जर नष्ट करायचा असेल तर प्रत्येक मुलाच्या अंगामध्ये देशभक्ती प्रेरित झाली पाहिजे. आणि म्हणून राहुलजी, 19 फेब्रुवारीला छत्रपती शिवरायांच्या जयंतीच्या निमित्तानं महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाविद्यालयीन कामकाज सुरू होत असताना ते राष्ट्रगीतानं झालं पाहिजे ही सक्ती आपण महाराष्ट्रामध्ये केली आणि त्याच्यानंतर मी आता दिल्लीत आलेलो आहे. राहुलजी, आपने मुझको यहां बुलाया, यहां आने का मेरे को अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं. लेकिन आज आतंकवाद, नक्सलवाद, इससे मुक्ति पाने के लिए हम मार्ग खोज रहे, लेकिन इसमें अगर आपको आगे जाना है तो हमारे जो स्टूडेंट आए हैं, जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें देशभक्ति की भावना जागृत करने का प्रयास पॉलिटिकल सब पार्टियों के लीडर ने करना चाहिए. जो आपने अभी क्लिप में दिखाया, आप बोल रहे थे कि जब ये देशभक्ति की भावना हम स्टूडेंट के साथ डायलॉग करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, तब हम सब के पॉलिटिकल जूते जो है वो रंगमंच के नीचे रहने चाहिए. और इसलिए हमने फाइनल किया महाराष्ट्र में कि जब ये देशभक्ति की बात हम करते हैं, देशभक्ति पे हम नारे देते हैं, देशभक्ति के ऊपर हम भाषण देते हैं, जब मेरे पास ये डिपार्टमेंट आया और डिपार्टमेंट आने के बाद मैं एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को गया था, उसके जो डायरेक्टर थे वो ब्रिटेन स्थित थे, अभी भी वो ब्रिटेन में रहते हैं, और उनका जब प्रोग्राम शुरू हो गया तो वो प्रोग्राम शुरू करने से पहले उन्होंने राष्ट्रगीत बजाया. तो मैंने पूछा कि 150 साल आपने हमारे ऊपर राज किया, बाद में हम उधर गए, वापिस आए, आप एक ट्रस्ट के मेंबर है, लेकिन आपके कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से क्यों हुई? तो वो लोगों ने मेरे को बोला, मेरे को समझाया, ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान है,
यहाँ की प्रोग्राम की शुरुआत राष्ट्रगीत से ही होना चाहिए। ये सुझाव मेरे को किसने दिया? जो ब्रिटेन स्थित हमारे वो संस्था के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये आइडिया मेरे को दी और बाद में हमने वो रूल बनाया, परिपत्रक निकाला, जीआर निकाला। अभी मेरे ख्याल से पहले दिन मेरे ऑफिस के अंडर मेरे ख्याल से 38 लाख स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में सीख रहे हैं। तो मैंने सोचा रेशो कितना रहेगा, तो पहले दिन 18 लाख विद्यार्थियों ने राष्ट्रगीत का गायन किया महाराष्ट्र में, और मेरे ख्याल से ये देश में का पहला ऐसा राज्य है जहां अभी हर रोज 20 लाख हायर और टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट ये राष्ट्रगीत का गायन करेंगे। आपने मेरे को यहां बुलाया, यह बोलने का अवसर लेकिन मुझको दिया, लेकिन इसमें एक समझना चाहिए, जो युवा पीढ़ी है वो हिंदुस्तान का भविष्य है, और हिंदुस्तान का भविष्य अगर अच्छे ट्रैक पे चलना चाहिए तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी दो निर्णय लेने का काम किया है जो अभी ये सेशन में मेरे ख्याल से आ जाएगा। अभी हम आतंकवाद के बारे में बोल रहे हैं, दहशतवाद के बारे में बोल रहे हैं, नक्सलवाद के बारे में बोल रहे हैं। आज यहां आने के बाद मैंने एक न्यूज भी देखी, साइबर क्राइम अपने देश में बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि अभी महाराष्ट्र में साइबर यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। ये साइबर यूनिवर्सिटी हम क्यों बना रहे हैं? तो साहब को मालूम रहेगा, जो होम डिपार्टमेंट रहता है उनके साथ अगर साइबर यूनिवर्सिटी का टाइप किया तो साइबर क्राइम जो है वो या स्टेट में रहेंगे, अगर हेल्प दूसरे स्टेट को लगेगी तो उनको रहेंगे, ये साइबर क्राइम का जो ग्राफ चढ़ता जा रहा है वो कम हो जाएगा। और देश के लड़के, देश की लड़कियां अगर साइबर के बारे में कुछ सीख ले तो एडवांस टेक्नोलॉजी में जो आतंकवाद फैला रहा है मेरे ख्याल से वो भी चेकमेट हो जाएगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ला रहे हैं महाराष्ट्र में। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्यों ला रहे हैं? तो अभी तो आपने देखा है कि जब ओलंपिक का जमाना आता है, ओलंपिक का पीरियड आता है, हम देशभक्ति पे बात करते हैं, देशभक्ति पे बोलते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब हम ओलंपिक की मेडल देखते हैं तो वो राहुल जी ऊपर से नहीं देखते, नीचे से देखते हैं। ये फैक्ट है। तो इसमें भी हमारे लड़के लोग, हमारी लड़कियां जाने चाहिए, उनको भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग होना चाहिए। और 10 साल बाद, 15 साल बाद हम जो ओलंपिक का मेडल नीचे से देख रहे हैं वो ऊपर से देख सके, इसलिए महाराष्ट्र में अभी हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निकालने का भी तय किया है। इसलिए राहुल जी, ये जो आपका कार्यक्रम है वो बहुत अच्छा है, देश के लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब हम ये तीनों के बारे में बोलते हैं तो कैंपस भी कैसे रहने चाहिए, यूनिवर्सिटी के या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के या जो महाविद्यालय है उनके भी कैंपस कैसे रहने चाहिए, तो हम एक कायदा बना रहे हैं। वो कैंपस टोबैको फ्री होना चाहिए, वो कैंपस स्मोक फ्री होना चाहिए, वो कैंपस अल्कोहल फ्री होना चाहिए, और वो कैंपस रैगिंग फ्री होना चाहिए। अगर ये हम कर सके तो उसमें से ही जो हमारे स्टूडेंट भाई और बहन हैं उनमें कहा तो आ जाएगा कि अगर रैगिंग को आपने देखा तो रैगिंग तो शुरुआत है, ये जो ऐसी जो प्रवृत्ति आती है हमारे मन में या हमारे दिमाग में उसकी शुरुआत कॉलेज से हो जाती है। और अगर रैगिंग को हम बंद कर सके, महाराष्ट्र में कर सके, भारत देश में कर सके,
तो अपना ये पहला स्टेप रहेगा। और इसलिए राहुल जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ऐसा कार्यक्रम आपने बार बार लिया है, मुझको भी आपको ने बुलाया था, लेकिन नियति के मन में ऐसा था मैं मिनिस्टर बन के यहां आऊं, जो भारत के विविध प्रांत से यहां स्टूडेंट आए उनको मैं महाराष्ट्र में इनवाइट करूंगा। आप महाराष्ट्र में आए और कराड़ साहब की और राहुल जी की जो यूनिवर्सिटी है MIT है वो आप देख ले, कितने अच्छी तरह से वो सिखाते हैं। और अगर मेरे को पता चलता, मैं जब सीख रहा था तब, कि MIT जैसे संस्था में पॉलिटिकल कोर्स भी आता है एक बरस का दो बरस का, तो मैं थोड़ा रुक जाता, बाद में आपके पास एडमिशन लेता और चार टर्म के बाद जो कैबिनेट मिनिस्टर बना वो पहले ही टर्म में बन जाता। अभी दिखाया मैंने पहली टर्म में कितना क्या किया, दूसरी टर्म में क्या किया, तीसरी टर्म में क्या किया, चौथी टर्म में क्या किया। अगर पॉलिटिक्स में काम करना है तो वोटर्स के साथ जो डायलॉग है वो राहुल जी अगर रखा तो लोग ऐसे बोलते हैं कि चलो एक काम नहीं हो गया तो चलेगा, लेकिन उदय अपने साथ बात कर रहा है, इसलिए पहले बार में 6000 से जीत के आया, दूसरे बार 10000 से जीत के आया, तीसरे बार 40000 से जीत के आया और ये बार 90000 से जीत के आया। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल करियर है वो अगर देश के लिए चाहिए तो हमने भी उसमें कुछ करना चाहिए। और राहुल जी आपको महाराष्ट्र में जब मेरी जरूरत लगेगी, अभी आपका एज मेरे को मालूम नहीं लेकिन मेरे से आप यंग लगते हो, अगर यंग हो तो छोटा भाई करके, अगर मेरे से बड़े हो तो बड़ा भाई करके, ये उदय सामंत आपके साथ है। और दूसरी भी रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग अभी दिल्ली में हैं, दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में मैंने इन सब लड़के को लोगों को देखा है, अभी ये प्रोग्राम थोड़ा आप महाराष्ट्र के हमारे जैसे जिले हैं, रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अगले बरस की, आप ये प्रोग्राम अगले बरस रत्नागिरी में कर दो। भारत के सब स्टूडेंट को रत्नागिरी भी क्या है, रत्नागिरी का अल्फांसो क्या है। आप शिक्षा मंत्री के नाते मैं इतना कहूंगा, थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं, कि सभी जिलों में आपने अगर हमारे ऊपर विश्वास डाला तो महाराष्ट्र में सब जगह पे हो सकता है, पूरे भारत को अपील किया है। तो राहुल जी ऐसा करेंगे, रत्नागिरी आपका क्षेत्र है उसके लिए तो अभिनंदन, बट यहाँ पे पूरे भारत से, तमिलनाडु से 180 बच्चों ने रजिस्टर किया, केरला के 70, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सब जगह से स्टूडेंट्स है, तो पूरे भारत में और महाराष्ट्र के मंत्री के नाते सबसे महत्वपूर्ण स्टेट, मुझे लगता है शुरुआत आपसे अगर हो गई तो सभी डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट। मैं आज ही आपको वादा करता हूं कि अगले साल ये प्रोग्राम रत्नागिरी से शुरू करेंगे और आप जब बोलेंगे ये जिले में चाहिए, वो जिले में चाहिए, उनसे आपके साथ अगर गवर्नमेंट चाहिए तो पूरा शासन आपके साथ है, ये भी मैं वादा करता हूं। बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए उसमें, कि आपके पार्टी के बगैर भी कोई नेता उसमें अच्छे आए कांग्रेस के। तो आपका विरोध नहीं होना चाहिए जो अलग अलग पार्टी के, बिकॉज़ यहाँ पे देखिए सर कांग्रेस के है, बीजेपी। नहीं, राहुल जी आपका सुझाव अच्छा है, उसमें शिवसेना लीड करेंगी, हमारे साथ कांग्रेस भी रहेगी, हमारे साथ NCP भी रहेगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी है महाराष्ट्र में, बीजेपी भी रहेगी, आप भी रहेगा, दिल्ली में हूँ आपका तो नाम लेना ही पड़ेगा, आप भी रहेगी, सब पार्टी रहेंगी और सब पार्टियों को लेके
इस बात के ऊपर सभी बच्चों ने भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अगर ये अवसर महाराष्ट्र में आपने मुझको दिया तो मैं मेरा भाग्य समझूंगा। पार्टी पॉलिटिक्स बाजू में रहेगा, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स जो है, मैं मेरा बड़प्पन नहीं बोल रहा हूं, मेरा जो लीड बढ़ता जाता है, अभी थोड़ा मैं और शेयर करता हूं कि पहली दो बार मैं चुन के आया वो एनसीपी से आया। बाद में शिवसेना से आया। अगर दूसरा कोई खड़ा रहता है तो उसका लीड कम हो जाता है, मेरा लीड बढ़ जाता है, इसलिए मेरा सबके साथ अच्छा है। यू डोंट वरी। आप अगर महाराष्ट्र के कोई भी लीडर को पूछोगे, उदय सामंत दोस्त है वही बोलेंगे, इसलिए आपका जो सुझाव है वो अच्छा है। पार्टी पॉलिटिक्स बाजू में रख के ये कार्यक्रम करना चाहिए और ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में होगा, इसका लीड आप करो, MIT लीड करेगी, गवर्नमेंट आपके साथ रहेगा। तो राहुल जी, मुझको आपने यहाँ बुलाया, मेरा आदर सत्कार किया, मेरे को कराड़ साहब को भी मिलने का मौका मिला, गवर्नर साहब को भी मिलने का मौका मिला, स्पीकर साहब को भी मिलने का मौका मिला, ये सबका मौका आपने दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जब हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की पूरी ताकत आपको लगेगी, वो पूरी ताकत आपके पीछे नहीं आगे खड़ी की जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ। आप सबका दर्शन हुआ, आपका भी स्वागत करता हूँ, आपका भी धन्यवाद देता हूँ, और मैं रुक जाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।